आपका जो प्रोफेशन है ये मेडिकल प्रोफेशन के बारे में मैं बोलता हूँ कि भाई ये पूर्व जन्म में कोई अच्छा काम किया होता तब मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ने का मौका मिलता है। और डॉक्टरों को भी हम बोलते हैं कि भाई ये शायद अकेला प्रोफेशन है जो 2-in-1 है, लाइक यू अर्न योर लिविंग ऑल्सो, यू टेक केयर ऑफ योर फैमिली ऑल्सो, बट साइमल्टेनियसली आपको इसमें ऐसे बोनस, आपको ह्यूमैनिटी को सर्व करने का मौका मिलता है। कोई दूसरा ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें आपको अपना प्रोफेशन निभाने पर, काम करने पर आपको साथ में फ्री में आपके अपने जीवन के लिए दुआ भी मिलती हो। ये केवल एक मेडिकल प्रोफेशन है। और मेडिकल प्रोफेशन में भी अगर डॉक्टरों से ज़्यादा किसी को ज़्यादा अच्छी तरीके से ब्लेसिंग मिलता है, दुआ मिलती है, अगर आप अपनी जिम्मेदारी के मामले में सतर्क भी है, कमिटेड भी है, सिंसियर भी है, तो वो आप सब लोगों को मिलता है, नर्सिस को मिलता है। ये बहुत, जिसे कहते हैं देश के लिए बहुत एक बेहतरीन समय चल रहा है। बहुत समय बाद एक असाधारण प्रतिभा वाला, असाधारण जज्बे वाला ऐसा प्रधानमंत्री भारत को मिला है, जिसके लिए हम बोलते हैं कि कोई ना कोई भारतवासियों के ऊपर दैवी कृपा हुई कि 2014 में और फिर बाद में 2019 में उन्हें नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कहता, इसलिए नहीं कहता कि कोई उनकी कैबिनेट में मंत्री हूँ इसलिए मेरे को कहने से अच्छा लगेगा या मेरी ये ड्यूटी है, ऐसा नहीं। उनको नज़दीक से हमने 5-6 साल में देखा है, जानते तो 30 साल से हैं लेकिन नज़दीक से 5-6 साल में देखा है। वो सही मायने में नया भारत बनाना चाहते हैं और नए भारत में सबके चेहरे पे मुस्कान वापस लाना चाहते हैं, सबके दुख दर्द दूर करना चाहते हैं, सबके लिए एजुकेशन की, हेल्थ की, न्यूट्रिशन की पर्याप्त व्यवस्था करना चाहते हैं। और उसमें उनका विश्वास, जो आपके जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, इन लोगों की योग्यता और क्षमता पे उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण विश्वास है। और वो इसीलिए बार 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 कहते हैं भाई मेरे मन में सपना है 2022 तक नए भारत बनाने का, आप भी छोटा सा सपना देखो और उस सपने के को मेरे सपने के साथ ब्लेंड कर दो और आप भी उस छोटे सपने को पूरा करने के लिए काम करो। तो एक अकेला कदम नहीं, एक साथ जब आप समझिए कि 135 करोड़ लोग हैं और 270 करोड़ कदम एक साथ चलेंगे तो कितना तेज़ी से भारत के अंदर परिवर्तन होगा। ये हमें असाधारण टाइम है ये जो है देश के लिए। और इस समय जो कुछ भी आप करोगे उसका, जो भारत को तो ऊंचाइयों तक पहुंचना है लेकिन अगर इसमें हम भी अपना कुछ डाल देंगे, आहुति वगैरह इस समय, तो उसका पुण्य लाभ आपको, आपके बच्चों को, नहीं तो आपके बूढ़े माँ बाप को, किसी न किसी को ज़रूर मिलेगा। और वो सारी चीज़ें मिला के हमारे को अपने जीवन में सेटिस्फेक्शन रहेगा।